तो हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको पहाड़े बनाना सिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से बनाने सिखाने वाला हूँ। तो 1 से 10 तक तो छोटे मतलब सभी बच्चों को आते हैं, तो मैं आपको 1 से लेकर 10 से जिसको याद है उसके लिए मैं आपको बनाने बड़े बड़े पहाड़े आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम 17 का टेबल बनाएंगे, और मैं आपको दोस्तों एक तरीके से नहीं, आपको मैं दो दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों पहले तो हमें 1 का टेबल लिख लेना है, यानी कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो दोस्तों देखिए, ये हमने 10 तक काउंटिंग लिख ली है। अब हमें 7 का टेबल लिख लेना है दोस्तों। 7 1 7 7 3 14 10 3 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 60 3 7 10 70। तो देखिए दोस्तों, हमने 7 का और यहाँ पे 1 का टेबल लिख लिया है। तो अब हम आपको देखिए 17 का टेबल आपको बता देंगे दोस्तों। देखिए 1 7 1 7 17, यहाँ पे ये 1 ये 7 हमें लिख लेना है दोस्तों। अभी 17 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिख दिया हमने। लेकिन अब ये यहाँ पे 2, जब ये 2 संख्या आ जाती है तो हमें इन्हें प्लस करना पड़ता है। तो दोस्तों प्लस का निशान लगा के यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 4 है वो हम पहले ही लिख देंगे यहाँ पे, और 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। देखिए दोस्तों 34 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही नीचे करेंगे हम, प्लस प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये जो 1 है वो हम पहले ही लिख देंगे और 3 + 2 कर देंगे दोस्तों। 3 + 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों ऐसे ही हम नीचे करेंगे लास्ट वाली 28 की डिजिट 8 हम यहाँ पे पहले ही लिख देंगे और 4 + 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 + 2 आएगा यहाँ पे हमारा 6। तो दोस्तों देखिए 68 हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए उससे नीचे वाला हम ऐसे ही करते हैं दोस्तों। तो जो हमें लास्ट का 35 का 5 है वो हमें पहले ही यहाँ पे लिख लेना है, और जो 5 + 3 हम जैसे करेंगे तो 8 यहाँ पे हमारा 85 आ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है अब हमें ऐसे ही नीचे वाला कर लेंगे दोस्तों। 42 का लास्ट वाला जो 2 है तो हम यहाँ पे 2 पहले ही लिख देंगे, और 6 + 4 करना है हमें। तो 6 + हमारा 4 कितना होता है, 6 + हमारा 4 होता है 10 होता है दोस्तों। तो ये हमारा देखिए 102 हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे ही हम इससे नीचे वाला भी कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें 49 है जो लास्ट में, तो उसका हम लास्ट वाला यहाँ पे 9 हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, और 7 + हमें यहाँ पे 4 करना है दोस्तों। तो 7 + 4 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है दोस्तों, 11 होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 119 हमारा आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी हमें जो ये 9 8 बार में हम टेबल लिखें, तो यहाँ पे हमें 56 का लास्ट का जो 6 है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, और 8 + हम यहाँ पे 5 कर देंगे दोस्तों। तो 8 + हमारा 5 कितना होता है, तो हमारा 8 + 5 होता है 13। तो यहाँ पे हम 136 लिख देंगे। तो ऐसे ही हम इससे नीचे वाला भी कर लेते हैं दोस्तों। तो जो 63 का लास्ट का जो 3 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, और 9 + 6 जो कि ये है हमारा 9 + 6 हमें करना है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा ये 15 दोस्तों, ये हमारा 15 हो जाएगा। और हमें ऐसे ही नीचे वाला कर लेना है। तो 70 का जो लास्ट का 0 है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और जो 10 और प्लस हमें 7 करना है तो वो हमारा 17 हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से ये हमारा 17 का टेबल हो चुका है। तो अब हम दूसरे तरीके से आपको 17 का टेबल करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो
टेबल बनाना दूसरा हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 17 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमारा 17 ही आएगा दोस्तों। 17 इक्वल्स टू 7 टू या होता है दोस्तों 14, तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे और 2 अंजा 2 ही होता है दोस्तों। तो देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे पहले तो प्लस करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, जो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है जो लास्ट की डिजिट है, जैसे यहाँ पे लास्ट में दोस्तों 4 है, तो हमें 4 यहाँ पे लिख लेना है और ये 2 प्लस 1 कर लेना है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा गाइस। तो अब ये ऐसे हम दूसरा करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें 17 करना है और यहाँ इक्वल्स 3, 17 इक्वल्स 3। तो अब हमें यहाँ पे 21 होएगा, 21 और 3 बन जाए 3 ही होता है दोस्तों। देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई भी सिंपली हो गया है यहाँ पे। अब हमें इसे प्लस तो करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम प्लस का मतलब साइन लगाएंगे और जो लास्ट का 1 है वो हम पहले ही यहाँ पे लिख देंगे और 3 प्लस 2 करना है दोस्तों हमें, तो ये हमारा 51 हो जाएगा। मतलब 3 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमें 17 इक्वल्स टू 4 करने, 17 का मल्टीप्लाई हमें 4 में करना है, तो अब 7 4 28 और 4 1 4 ही होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। अब हमें इन्हें प्लस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के हम यहाँ पे लास्ट का जो इसका 8 है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 4 प्लस 2 है 6 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दोस्तों 68 हमारा आ गया है। और यहाँ पे 17 इक्वल्स टू 5 यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। तो अब हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 10 7 49 दोस्तों। तो 10 7 40, रुकिए दोस्तों गलती हो गई, 35 और 5 5 भी होता है दोस्तों। तो देखिए अब हमें इसे प्लस करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लास्ट का जो मैंने आपको बताया 5 वो पहले ही लिख देंगे और 5 प्लस 3 करना है दोस्तों हमें, 8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 85, ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 इक्वल टू 6, तो अब हम ये करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, 42 सेंस क्या हमारा होता है 42 दोस्तों, ये 42 और 6 और यहाँ पे 6 6 वही आ गया दोस्तों। अब हमें इसे यहाँ पे प्लस कर लेना होगा, तो प्लस करेंगे इसे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है लास्ट का 2 हम पहले ही लिख देंगे, लास्ट की डिजिट हम पहले ही लिख देते हैं दोस्तों। तो हमें 6 प्लस 4 करना है दोस्तों, तो 6 10, तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10। तो दोस्तों अब हमें आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना है 17 इक्वल्स टू 7, तो अब हमें यहाँ तो 7 7 या 49, यहाँ पे 7 7 या यहाँ पे हम लिखेंगे 49 और 7 7 तो अब मैंने प्लस करना होगा, तो यहाँ पे हम 9 जो लास्ट की डिजिट होती है मैंने आपको बताया पहले लिख देते हैं, तो 9 हम पहले ही लिख देंगे और हम 7 प्लस हमें 4 करना है दोस्तों। तो हम क्या, अब 7 प्लस 4 करना है तो 11 लिख देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ये हमारा 100 1 9 90। तो अब हमें 17 इक्वल्स टू 8 करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, 56 होता है दोस्तों, 7 8 या 56 और 7 8 8 बन जाए 80 होता है दोस्तों। तो देखिए अब हमें इसे प्लस करना होगा दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट की जो डिजिट होती है मैंने आपको बताया है 6 है, तो वो अपन 6 पहले ही लिख देंगे और 8 प्लस 5 करेंगे,
तो अब 8 और 5 हमारे बचा है तो उसे हम प्लस कर देंगे दोस्तों, तो हमारा ये 13 हो जाएगा। तो देखिए 136 हमारा आंसर आ गया है। तो अब हम 17 इक्वल्स टू 9 बताएंगे आपको। तो अब हम ये कैसे करेंगे, ये हमें सिंपल ही करना है जैसे मैंने ये किया। तो होता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 63 लिख देंगे और अब यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो अब हमें इसे भी प्लस करना पड़ेगा, तो हम इसे प्लस कर देंगे। और लास्ट का मैंने आपको बताया है दोस्तों, यहाँ पे ये 3 है तो हम ये 3 पहले ही लिख देंगे। तो 3 हमने पहले ही लिख दिया है और अब हमें यहाँ पे 9 + 6 करना है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। तो देखो हो गया ना 153। तो अब हमें ऐसे ही 17 + 10 कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 10 7 = 17 और 10 1 = 10। तो देखिए दोस्तों ये तो बहुत ही, ये लास्ट में जो 0 है इसे भी हमें प्लस करना है। लास्ट में जो 0 है वो हम यहाँ लिखेंगे और 10 + 7 यानी कि 17 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा 17 का टेबल पूरा हो चुका है। तो अब मैं इसे आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। 17 1 = 17, 17 2 = 34, 73 = 51, 17 4 = 68, 75 = 85, 76 = 102, 17 7 = 119, 17 8 = 136, 17 9 = 153, 17 10 = 170। तो इसी तरह हम अब आपको 18 का टेबल करके बताते हैं। तो दोस्तों अब 18 का टेबल का, तो दोस्तों 18 का तो आपको आता ही होगा। तो मैं अब आपको, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।